नमस्कार दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 89 तक हम कर चुके थे, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, द ट्रबल इन असम इज 1980 वाज कॉज्ड। यहाँ पर सीधे आंसर बताऊंगा, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स इन द इलेक्ट्रोल रोल्स ऑफ द स्टेट, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। आप जानते हो जापान को कहा जाता है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कंट्री नोन एज द सुगर ऑफ बॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, ये क्यूबा है, वेस्ट इंडीज के पास, आपको अच्छी तरह से पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस्टर्ड किंग इज फाउंड इन, आपको ये भी पता है अच्छी तरह से, अक्सर हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान का स्टेट बर्ड भी आप कह सकते हो, ये राजस्थान का है। थ्यागराज ऑफ 18th सेंचुरी वाज, ये जो थ्यागराज है 18th सेंचुरी के, ये आपको पता है, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हु कंपोज्ड हिज सॉन्ग्स इन तेलुगु। आज के संदर्भ में तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में बना था ये बॉडी, आपको पता है 15 जजेस होते हैं। दलवीर सिंह भंडारी हमारे भारत के लास्ट जजेस हुए हैं, आपको ये सब मालूम है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी रिफर्स टू, यहाँ पर आपको पता है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखोगे तो द ओनली स्टेट इन इंडिया डेट शोज एक्सेस ऑफ फीमेल्स, आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द टर्म फोर्थ स्टेट रिफर्स टू, आपको पता है ये प्रेस इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वांटस एयरवेज बिलोंग्स टू, ये आज के संदर्भ में तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुज सिग्नेचर्स आर फाउंड इन अ 100 रुपीज नोट, कॉमन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टू इंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन देयर आर कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ फॉर इच मेजर प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट वन फॉर विच सेंचुरी कॉर्पोरेशन हैज बीन सेट अप, ये इसका आंसर दामोदर वैली प्रोजेक्ट होगा, यही बस इसका है, इसमें कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है, द भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द कोलाबरेशन विद द USSR, ये USSR के साथ भिलाई इसको बनाया गया था, USSR के साथ। राउरकेला स्टील प्लांट जो है, कोलाबरेशन जो हुआ था वेस्ट जर्मनी के साथ, राउरकेला वेस्ट जर्मनी के साथ, भिलाई USSR के साथ, ये दुर्गापुर पूछ रहा है, मतलब ये वेस्ट बंगाल में है, ये किसके साथ, ये ब्रिटेन के साथ कोलाबरेशन हुआ था। आजकल तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सॉरी, लेकिन फिर भी इसको देख लिया एक बार तो क्या पता कहीं टकरा गया तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइलेंट वैली पार्क केरला में है, आपको ये अच्छी तरह से पता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि केरला वॉज ड्रॉप्ड बिकॉज, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट एक था उसको ड्रॉप किया गया, आप अच्छे तरह से इसका आंसर जानते हो अगर पढ़ोगे तो। नॉर्मल है, इकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट ऑफ दैट द प्रोजेक्ट विल सेट अप एन एनवायरमेंट इम्बैलेंस, यही आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पर 1980, एक सेकंड इसको मिटा लूं, हाँ, यहाँ पर जो है 1980 रिपब्लिक डे अवार्ड पद्म भूषण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्काई लैब, ये आप यहाँ पर देखोगे, स्काई लैब, ये स्काई लैब क्रैश्ड जुलाई 11, 1979, ये उस समय में बहुत न्यूज में रहा होगा, क्योंकि इसका आंसर है ये नासा का इनिशिएटिव था, यूएसए का इनिशिएटिव था, और ये जो ड्रॉप हुआ था, गिरा था इंडियन ओशन नियर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ये पूछा था। देखो हमारे इंडिया के आसपास की चीजें से रिलेटेड हो जाता है, तो उस समय में यूपीएससी का पैटर्न ऐसा ही कुछ रहा है, आपको ऐसे ही पैटर्न पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया इंप्लाइज शेयरिंग ऑफ रिवर ऑफ वाटर गंगाज, कॉमन है, जानते हैं फरक्का वही है। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये जो इंडियन रिपब्लिक है, सीरिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, आपको ये भी पता है। हु डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, कॉमन है, ली कोरबुज़िएर है, इस तरह के क्वेश्चन न्यूज में था उस टाइम, और आज आप देखोगे तो चंडीगढ़ को बहुत अच्छी तरह से वास्तव में डिजाइन किया गया है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है। इंडिया हैज लॉन्च सिम्फोनिक सेटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये PNT
ये डीओपीटी आप कह सकते हो, ये जो पीएनटी है डिपार्टमेंट एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे नासा का इनिशिएटिव आप कह सकते हो, यही ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मुस्लिम मार्च 7 टाइम्स राउंड द काबा एज पार्ट ऑफ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन द मुस्लिम 7 टाइम्स राउंड द काबा, ये काबा जो है काबा एज पाथ ऑफ, जैसे हज पिलग्रिम्स, ये जिस तरह से भारत के लोग अब मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये मंदिर है मान लो, तो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं इसके, उसी तरह से यहाँ पर रबात होगा इसका अंतर, मक्का नहीं होगा, रबात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया कॉमन है, उस समय के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट, एंड्री सकरोव केम इन न्यूज जनवरी 19, ये आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट तो होता ही नहीं है। रेंज ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड डिस्टेंस, ये साइंस टेक का क्वेश्चन बनता है और आज के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। रेंज ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड डिस्टेंस बिकॉज, इसका आंसर ये हमारे अर्थ का जो शेप है ये स्फेरिकल शेप है, इसी की वजह से रेंज ऑफ टेलीविजन जो आता है वो आपका कन्फाइंड होता है और इससे सब कुछ हम लोग जो टीवी पे जितनी भी चीजें देखते हैं इसी के तहत। नेक्स्ट बात करें तो अनदर नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड आपको अच्छी तरह से पता है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, देखो यूनिट बताओ नेविगेशन के लिए, तो यूनिट में दो बातें ध्यान रखना आप, ये पूछ रहा है नेविगेशन, नॉटिकल माइल्स इसका होगा, ये समंदर के लिए है, ये समंदर में नॉटिकल माइल्स माइल्स को, और अर्थ से अगर सन की दूरी मापते हैं तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ना मापते हैं, और अगर एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल की दूरी मापनी हो, जैसे एक कॉन्स्टिलेशन हमारा यहाँ है, एक गैलेक्सी यहाँ है, एक गैलेक्सी यहाँ है, हजारों बहुत सारे गैलेक्सी की खोज कर रखा है, हमारा मंदाकिनी है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस हम मापते हैं उसको लाइट ईयर में मापते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटा सा टर्म है हालांकि कॉमन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर मोटरिस्ट मोटरसाइकिल में, कॉमन क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज अबाउट, बचपन में पढ़ा होगा, बचपन तो नहीं, 8th 9th में 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार होती है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ गोबर गैस, इसका मिथेन आंसर होगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन होगा। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इसका आंसर, आप अच्छे तरह से जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोफोन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्यूल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम कॉमन है, अब तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है या कहाँ मिला, इस तरह की चीजें यूपीएससी पूछती है, आपको बस ध्यान रखना है। द हीटर एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ, आपको अच्छी तरह से पता है इसका आंसर जो है नाइक्रोम है, इसका आंसर नाइक्रोम से हम बनाते हैं हीटर का एलिमेंट। आपको लग रहा होगा कि टंगस्टन नहीं इसका नाइक्रोम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी कॉमन है, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कॉमन है, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छी तरह से आप लोग जानते हो इसको। नेक्स्ट बात करें, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है और आंसर क्या है, इसका आंसर सीधा बताता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है हम लोगों को। हिज मास एज वेल एज वेट डिक्रीज्ड, नहीं सॉरी ये नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है इसका एक सेकंड में बता रहा हूं आपको, हिज मास एज वेल एज वेट डिक्रीज, हिज मास एज वेल एज, हाँ यही तो है, हिज मास एज वेल एज मतलब मास जो है वही होगा, अगर 50 केजी होगा तो 50 केजी ही लगा होगा, वेट डिक्रीज्ड हो जाएगा इसका, वेट कम हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड इन, अभी भी बात की थी मैंने, तो लाइट ईयर्स इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, आपको पता है, आज के न्यूज में इतना ही था, थैंक यू।